नमस्कार। क्लास सिक्स एक्सरसाइज 3.2। आज हम इसका सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये सही है या गलत है ये हमें बताना है। ठीक है, फर्स्ट है, ए भाग है, द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज इवन। तो पहले हम करके देखेंगे फिर बताएंगे हमारा उत्तर सही है या गलत है। ऐसे ही नहीं कि भी हाँ जैसे मर्जी जो मन किया वो कर दिया। ठीक है बच्चों, द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर इज इवन। तो कोई भी तीन नंबर ऑड ले लो, एक वन ले लो, एक फाइव ले लो, एक सेवन ले लो, ये तीनों ऑड है, तीनों का सम, तीनों का सम पांच और एक छह, छह प्लस सात तेरह। ये कह रहे हैं द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर इज इवन। क्या थर्टीन इवन है? नहीं, ये तो ऑड नंबर है। क्या नहीं? क्योंकि ये टू के टेबल में नहीं आता है ना। तो तीन नंबर्स का सम ऑड आया लेकिन ये कह रहे इवन, तो इसका मतलब इनका जो आंसर है वो फॉल्स। बी भाग, द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर इज इवन। करके देख लेते हैं, दो ऑड नंबर लेने तो मैंने ले लिया थ्री और सेवन, एंड वन इवन नंबर और साथ में एक इवन नंबर लेना है, इवन नंबर मैंने ले लिया फोर, तो इनका सम जो है वो कहते हैं इवन होगा। देखते हैं करके, सात और तीन दस, दस और चार चौदह, इवन आया, बिल्कुल आया, चौदह जो है इवन नंबर है क्योंकि ये टू के टेबल में आ जाता है। इसका मतलब यह जो भाग है ये इनका सही है। ठीक है बच्चों, थर्ड भाग देखते हैं। हर एक चीज का आपको रीजन पता होना चाहिए बच्चों, ऐसे ही आपने कॉपी में भी ये लिख लेना है जो जो मैं लिखवा रहा हूं सामने। सी भाग है, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज ओड। तीन ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट ओड होगा। तो देखो, मैंने एक ऑड नंबर लिया थ्री, एक ऑड नंबर लिया फाइव और एक ऑड नंबर ले लिया वन, तीनों का प्रोडक्ट ओड आना चाहिए उनके हिसाब से। तो देखो, तीन पांच पंद्रह, पंद्रह एकम पंद्रह, तो क्या पंद्रह ऑड है? बिल्कुल है, क्योंकि ये टू के टेबल में नहीं आता इसलिए ऑड है। उन्होंने भी यही कहा था, प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज ऑड, इसका मतलब उनका आंसर सही है यानी ट्रू है। डी भाग देखते हैं, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय टू द क्वोशेंट इज ऑलवेज ऑड। उन्होंने बोला कि कभी किसी इवन नंबर को टू से डिवाइड करें तो क्वेश्चन हमेशा ऑड ही आएगा। देखते हैं करके, देखिए टेन एक इवन नंबर है, इसको टू से डिवाइड किया तो हमें पता है टू फाइव द टेन, तो क्वेश्चन आया ऑड, इससे हिसाब से तो इनका उत्तर ठीक है। लेकिन एक और उदाहरण देखते हैं, मान लीजिए बारह, ट्वेल्व को टू से डिवाइड किया तो ट्वेल्व को टू से डिवाइड करके आएगा सिक्स, टू सिक्स द ट्वेल्व, लेकिन ये तो इवन आ गया। ऐसे ही आप कोई और करके देखो, मान लो मैं करता हूं ट्वेंटी, ट्वेंटी को टू से डिवाइड करो, ट्वेंटी को टू से डिवाइड करके आता है टेन, तो ये भी इवन आया। लेकिन ये कह रहे हैं कि इवन नंबर को टू से डिवाइड करने पे हमेशा क्वोशेंट ऑड आएगा, लेकिन हमने देखा कि कभी ऑड आ रहा है, कभी इवन आ रहा है, कभी इवन आ रहा है, तो कभी ऑड कभी इवन आ रहा है, हमेशा ऑड नहीं आ रहा। इसका मतलब इनका आंसर गलत है, फॉल्स है। ठीक है बच्चों, ये समझ आया? आइए इसके अगले भाग देखते हैं। एक सेकेंड, ई भाग, हाँ ई भाग, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। इसके लिए मैं, आपने मेरा प्राइम नंबर्स वाला वीडियो जरूर देखा होगा। तो ये प्राइम नंबर्स की लिस्ट थी, ये कहते सारे प्राइम नंबर ऑड है, लेकिन इसमें आपने देखा होगा सबसे छोटे वाला जो प्राइम नंबर है वो है दो, और दो क्या है? इवन। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स में हम लिखेंगे टू इज प्राइम एंड इवन, दो प्राइम नंबर है लेकिन ये इवन है। इसका मतलब ये जो कह रहे हैं कि सारे प्राइम नंबर ऑड है ये फॉल्स है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला भाग है, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता, तो ये तो फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि प्राइम नंबर्स हैव
only two factors, ठीक है, प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका फैक्टर नहीं होता. कौन कौन से फैक्टर होते हैं? एक वन, दूसरा नंबर इटसेल्फ. किया था ना हमने, एक वन और एक वो नंबर खुद. तो प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, ये कहते हैं एक भी फैक्टर नहीं होता, इसलिए फॉल्स है. जी भाग, सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन. अब देखो, प्राइम नंबर तीन प्राइम नंबर है, पांच प्राइम नंबर है, इसका उत्तर आया तीन पांच आठ. सात प्राइम नंबर है, ग्यारह प्राइम नंबर है, सात प्लस ग्यारह अठारह, ये भी इवन आ रहा है, ये भी इवन आ रहा है. लेकिन एक प्राइम नंबर है टू और एक प्राइम नंबर है फाइव, इनको प्लस करो, टू प्लस फाइव सेवन, ये जो है ये ऑड आ गया. इन्होंने कहा सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, लेकिन यहां हमने देखा कि नहीं, दो प्राइम नंबर्स का जो सम है वो ऑड भी हो सकता है अगर हमने उनमें टू ले लिया, क्योंकि टू एक लौता इवन नंबर है ना. तो हमने देखा कि जरूरी नहीं है कि सारे, कोई भी दो प्राइम नंबर लेने से उसका सम इवन आए, ऑड भी आ सकता है, इसलिए इनका जो कथन है वो फॉल्स है. ठीक है बच्चों, जहां से ना समझ आए ना बच्चा, वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देखना. अगला है, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. इसके लिए मैं आपको प्राइम नंबर की एक लिस्ट दोबारा दिखा रहा हूं. देखो इसमें, देखो सिर्फ एक टू है जो इवन है, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये सारे ऑड, ये सारे ऑड, ऑड 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 ऑड, ये सारे ऑड नंबर्स हैं. सच में ही टू ही इकलौता ऐसा नंबर है जो प्राइम है और इवन है. तो टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये बात इनकी ठीक है, ट्रू है. अगले भाग देखें हम, आई भाग, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स. गलत. अभी हमने देखा कौन सा इवन नंबर है जो प्राइम है, टू, तो हम लिखेंगे टू इज इवन बट इट्स नॉट कंपोजिट, इट्स प्राइम. ठीक है, इसलिए कहते हैं सारे इवन नंबर कंपोजिट होंगे, ये गलत है. एक इवन नंबर ऐसा है जो प्राइम है, कौन सा, टू. उसके बाद अगला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन. दो इवन नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा इवन होगा. देखते हैं करके, एक इवन नंबर लिया टू, अगला लिया सिक्स, टू सिक्स द ट्वेल्व. एक इवन नंबर लिया फोर, अगला लिया एट, फोर एट द थर्टी टू. एक इवन नंबर लिया टेन, अगला नंबर लिया सिक्स, टेन सिक्स द सिक्सटी. एक इवन नंबर ले लो ट्वेल्व, अगला इवन नंबर ले लो सिक्स, ट्वेल्व सिक्स द सेवेंटी टू. तो देखो, दो इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया बारह आया इवन, दो इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो साठ आया, यह भी इवन. दो इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो बत्तीस आया, इसके पीछे दो लगा, ये भी इवन. बारह छीक बहत्तर, ये भी इवन. इसका मतलब दो इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमेशा इवन ही आ रहा है, अतः इनका जो कथन है वो ट्रू है, इनका जो स्टेटमेंट है वो राइट है, ट्रू है. उम्मीद करता हूं ये ट्रू फॉल्स आपको समझ में आए होंगे इस एक्सरसाइज के. बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे वीडियोस को देखिए, समझिए, और यदि आपको मेरे वीडियो बेटा समझ आते हैं, पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज 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 मेरे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा. थैंक यू.